morning, Manu. Sorry. Sapna Maya. Better. चल फटाफट टूथब्रश कर और नाश्ता कर और हमें अपना सपना बता। क्या करूं मुझे? फिर से एक बार फिर से क्या? सोना होगा। सोना होगा? पर अभी तो मैं उठी हूँ। वो सब हम नहीं जानते। तुझे सोना होगा मतलब सोना होगा। पर अपने शहर, अपने देश के लिए, क्राइम को रोकने के लिए, क्रिमिनल्स को ठोकने के लिए, अमन और शांति के लिए, एक नई क्रांति के लिए, जर्म मिटाने के लिए, क्राइम रेट घटाने के लिए, क्रिमिनल्स को रोना होगा, इसलिए तुझे सोना होगा। नो इफ्स नो बट्स। पर भाभी मुझे नींद नहीं आ रही है। आएगी। तूने सपने में क्या देखा? वो मनु जल्दी बता, सासू माँ मारी है। जल्दी बोल। वो क्या है ना भाभी, मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा रूम है। रूम के अंदर बहुत सारे मोटे मोटे काले काले गंदे गुंडा टाइप्स आदमी हैं और वहाँ पे गन्स और ड्रग्स की कोई डील हो रही थी। ओ स्वीट गॉड भाभी, ये मेरा सपना है। कोई जीपीएस डिवाइस नहीं कि लोकेशन आ जाए उसमें। मनु क्यों टाइम बर्बाद कर रही है, बता ना जल्दी। और क्या याद है तुझे? क्योंकि अब मैं मनु नहीं रही, अब मैं सपना मैया बन चुकी हूँ। यानी कि जो भी सपना देखती हूँ वो सच हो जाता है। तो इसीलिए मेरी भाभी चाहती हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपने देखूँ, सो दैट कि वो क्राइम को रोक सके। तो सपने में क्या देखा? आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी अपने सपनों में और जिनकी वजह से जो क्राइम होगा उसे मैं रोक सकूँगी।